वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शंस के बारे में। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन रिलेशन फंक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम इसमें रीड करेंगे। और इसके बाद इसके साथ रिलेटेड है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, और उसके बाद हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले है कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन, इसका क्या मतलब होता है। इफ एक हमारे पास फंक्शन है एफ दैट इज फ्रॉम सेट ए टू बी, एंड जी एक ऐसा फंक्शन है जो सेट बी टू सी है। तो ये दो हमारे पास फंक्शन है, एक है ए टू बी और दूसरा है बी टू सी। तो इनको हम ऐसे यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी, दिस इज अवर सेट सी। इफ एक्स इज एनी एलिमेंट इन द सेट ए, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज एफ, एंड इसकी जो इमेज बनेगी, जो इस एक्स एलिमेंट की एफ के अंडर इमेज बनेगी, वो तो बी में होगी, और वो इमेज को हम क्या लिखते होते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो इसका आंसर आएगा, जब एफ में एक्स एलिमेंट एंटर होगा तो इसका आंसर एफ एक्स बनकर बी सेट में आ गया। नाउ जी फंक्शन यहां से जो एलिमेंट यूज करेगा बी के, और आंसर देगा सेट सी में। तो G में एलिमेंट क्या जाएगा, एफ एक्स एलिमेंट जाएगा। तो यहां पर कैसे आंसर होंगे, यहां पर आंसर कुछ G के अंदर एफ एक्स होगा, मतलब G के अंदर एफ एक्स एज ए एलिमेंट होगा। तो यहां क्या होगा, G ऑफ एफ एक्स। तो ये बात आपको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करनी है। इसका क्या मतलब है, यहां से सबसे पहले F ने एक एलिमेंट की इमेज बनाई एफ एक्स, G ने उस एलिमेंट की इमेज बनाई है G ऑफ एफ एक्स। सो कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज रिटन एज देन जी ओ एफ, जी ओ एफ इज कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एंड जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सी। ये ए टू सी जा रहा है फंक्शन, ये आपका फंक्शन जाएगा ए टू सी। जी ओ एफ है जो इज फंक्शन फ्रॉम ए टू सी सच दैट इट इज डिफाइंड एज जी ओ एफ ऑफ एक्स। जो एक हमारे पास होगा फंक्शन दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इट इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सी। ये सेट ए टू सी डायरेक्ट फंक्शन होगा, जिसकी के डोमेन ए बनेगी और उसकी को डोमेन सी बनेगी, मतलब वो ए के एलिमेंट को डायरेक्टली सी में पहुंचाएगा, सी में अपनी इमेज देगा। सो जी ओ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सी एंड इज डिफाइंड एज जी ओ एफ में अगर एक्स एलिमेंट एंटर होता है तो उसका आंसर क्या मिलता है, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी के अंदर एफ एक्स एज ए एलिमेंट है। तो यहां पर जी ओ एफ फंक्शन में एक्स एलिमेंट है और यहां पर जी फंक्शन में एफ एक्स एज ए एलिमेंट है। तो ये होती है कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ऐसे ही आप एफ ओ जी को भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ में जी एक्स एंटर हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल इसके साथ रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सो इसके साथ रिलेटेड एक एग्जांपल है, हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स हमारे पास फंक्शन दिया गया है दैट इज एक्स क्यूब, एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स इज एट एक्स क्यूब, एंड जी एक्स इज फंक्शन दैट इज एक्स की पावर 1/3। तो ये दो फंक्शन दिए गए हैं, हमें एफ ओ जी सोल्व करना है। तो ध्यान से सोल्व करिएगा, एफ ओ जी में अगर एक्स एलिमेंट जाएगा तो वो क्या बनेगा, एफ में जी एक्स एज ए एलिमेंट होगा। तो एफ के अंदर जी एक्स एक एलिमेंट एंटर किया है। अब जो फंक्शन f है वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट एंटर करेंगे, अगर उसके अंदर x एंटर की है तो वो 8x क्यूब बना देता है। अगर मैं यहां पर a एंटर करता हूं तो वो क्या बना देगा, 8a क्यूब। तो इसका मतलब अगर मैंने यहां पर g एंटर की तो वो क्या बनाएगा, 8g क्यूब। तो ये क्या बनेगा, 8gx का क्यूब। सो अब हमें यहां पर gx की वैल्यू यूज करनी है, दैट इज x की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8, और इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी 8x। तो ऐसे ही अब आपको ये साथ में खुद सॉल्विंग करनी है जी ऑफ एफ एक्स।
तो एक बात का आपको और ध्यान रखना है, दोनों के आंसर हमेशा सेम नहीं आएंगे। तो एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ऐसी कोई भी रूल हमारे पास नहीं होता। तो ये काफ़ी सिंपल था प्रॉब्लम। तो ये होगी हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ द टू फंक्शन। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी हैं। अगर इफ ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है तो याद हो जाएगा अच्छे से। इफ बोथ एफ एंड जी आर वन वन, देन एफ ओ जी या जी ओ एफ, देन मैं जी ओ एफ के साथ ही रिलेट करूंगा बट एफ ओ जी के लिए भी सेम रिजल्ट सभी अप्लाई होंगे। देन जी ओ एफ इज वन वन, दोनों होने चाहिए। ऐसे ही सिमिलर इफ बोथ एफ एंड जी आर ऑन टू, देन जी ओ एफ इज ऑन टू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर जी ओ एफ है वन वन तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों ही वन वन हों। अगर जी ओ एफ है ऑन टू तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों ही ऑन टू हों, उनमें से एक होगा दूसरा नहीं होगा। हो भी सकता है बट ऑलवेज नहीं हो सकता। तो इनकी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इनके प्रूफ दिए हुए हैं, काफ़ी सिंपल वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो सभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो एनसीईआरटी की सभी एग्जाम्पल्स आपको अपनी नोटबुक पर सोल्व करनी है, एज ए जैसे आप पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं वैसे ही सभी एग्जाम्पल्स को, सभी डेफिनेशन को नोट डाउन करना है। ये आपने जरूर करना है काम। सो अगर इसके ऑपोजिट अगर हम स्टेटमेंट चेक करते हैं, अगर जी ओ एफ हो वन वन, जी ओ एफ इज वन वन, देन इट इम्प्लाइज दैट जो एलिमेंट, जो हमारा फंक्शन है, जो सबसे पहले एलिमेंट को अपने में एंटर करवाता है, दैट इज एफ में सबसे पहले एंटर होता है, बाद में वो जी के अंदर एंटर होता है, तो एफ होगा वन वन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एफ इज वन वन, क्योंकि एफ ने जी के अंदर एज ए एलिमेंट जाना है, तो एफ होगा वन वन। अगर जी ओ एफ हो ऑन टू तो जो हमारा बाहरला फंक्शन था वो होगा ऑन टू, देन जी इज ऑन टू। ऐसे ही सिमिलर एफ ओ जी पर भी रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसकी एक एग्जाम्पल है, सिंपल सी छोटी सी एग्जाम्पल है जिसके साथ कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। सेट्स बना लेते हैं। सो इस सेट में है 1 2 3 4, यहां पर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए इसकी इमेज है 1, इसकी है 2, 3 की 3, 4 की 4, आगे इसकी फिर से 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4। अब इसको हमने बनाना है फंक्शन, तो फंक्शन बनाने के लिए सभी एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है, तो हमने 5 और 6 की भी बना दी। तो ये है जी फंक्शन, ये एफ फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, एफ इज वन वन क्योंकि सभी की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, बट जी इज नॉट वन वन क्योंकि इन दोनों की सेम इमेज है। ओके ये हमारी बात क्लियर होगी कि एफ इज वन वन, जी इज नॉट वन वन, ये दोनों हो गए ट्रू। नाउ जो हमारा ये फंक्शन है जी, जी इज ऑन टू। क्यों ऑन टू है? क्योंकि 1 2 3 4 5 सबकी यहां पर प्री इमेज है, सब पर एरो आ रहे हैं, बट एफ इज नॉट नॉट ऑन टू क्योंकि ये 5 और 6 की यहां पर कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारी बात हो गई ट्रू। तो जी ओन टू होगा जरूरी और एफ होगा वन वन अगर जी ओ एफ हो वन वन और या फिर जी ओ एफ हो ओन टू। तो ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर में अब ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके साथ रिलेटेड हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास प्रॉब्लम है, काफी सिंपल स्टेटमेंट है। तो हमें एक फंक्शन दिया है एफ, दैट इज फ्रॉम सेट 1 2 3 4 टू 1 2 5, और एक है हमारे पास फंक्शन जी, दैट इज फ्रॉम 1 2 5 एंड 2 1 3। तो हमारे पास उन्होंने फंक्शन डिफाइन किया एफ, दैट इज 1 2 3 5 4 1, और जी फंक्शन है दैट इज 1 3 2 3 और 5 1। तो हमें सोल्व करना है जी ओ एफ। तो अब आपको ध्यान से इसको देखना है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है। जी ओ एफ मतलब हम एफ से शुरू करेंगे, सबसे पहले एफ में एलिमेंट जाएगा,
तो एफ में एलिमेंट गया वन, वन का आंसर इसने दिया टू। अब ये टू एलिमेंट यहां पर है और यहां से अब जी का काम होगा। अब जी टू का क्या आंसर देता है वो हमें यहां से देखना है। टू का आंसर क्या दे रहा है ये थ्री, तो इसने आंसर दिया टू, टू का बाद में आंसर जी में क्या होगा थ्री। तो हमने क्या देखा कि वन से डायरेक्ट आंसर हमें क्या मिलेगा थ्री, तो हमारा क्या बन जाएगा वन टू थ्री। ऐसे अगला एलिमेंट थ्री टू आंसर है फाइव। नाउ फाइव का आंसर क्या है वन, सो क्या बन गया थ्री टू वन। ऐसे ही अगला फोर टू वन है और फोर का आंसर फोर का है वन और उसका यहां पर क्या आंसर है इसमें है थ्री, सो फोर टू थ्री। तो ये हमारा सिंपल सा जीओएफ बन जाएगा। और जीओएफ कौन सा फंक्शन होगा, दैट इज फ्रॉम दिस सेट टू डायरेक्टली दिस सेट। तो ये हमारा जीओएफ फंक्शन होगा इस सेट से लेकर सीधा ए टू सी, जो हमने शुरू में ही आपको बताया था पिछले पार्ट में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेकेंड सम। साथ साथ में आपको एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स को जरूर रीड आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू प्रूफ है हमारे पास, हमें प्रूफ करना है कि ए पार्ट में एफ प्लस जी ओ एच, मतलब दो फंक्शंस को ऐड किया है फिर उसकी हमने कॉम्पोजिशन की है विद द फंक्शन एच, इज इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ये हमें प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एलिमेंट यूज करकर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसमें एक एलिमेंट ऐड करते हैं एक्स, तो ये हमने एलिमेंट ऐड किया एक्स। तो क्या होगा कि सबसे पहले ये एक्स एलिमेंट एच फंक्शन में जाएगा, तो सबसे पहले ये एलिमेंट जाएगा एच फंक्शन में एफ ओ जी और यहां पर बन गया एच ओफ एक्स। तो एच ने अपने साथ उस एलिमेंट को जोड़ दिया। अब हमारा जो वो ओ था, एक कह सकते हैं ऑपरेटर होता है ये, एक मतलब के कॉम्पोजिशन का जो हमारा ऑपरेटर था वो यहां से अब रिमूव हो चुका है। अब हम इसकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करवा सकते हैं, मतलब अब इसकी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है कि जो एफ फंक्शन है वो एज ए एच एक्स को अपने अंदर एक एलिमेंट यूज कर रहा है। एफ में एच एक्स एज एक एलिमेंट जाएगा और ऐसे ही जी में भी जाएगा एच एक्स एज एक एलिमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी अभी रीड किया था कि एफ ओ एच क्या होगा एफ ओफ एच एक्स, तो ये हमारा बन गया एफ ओ एच। हमने यहां पर ऑपोजिट स्टेप्स यूज किए हैं जो हमने डिफिनेशन में यहां पर प्रूफ किया था, तो ये बन गया जी ओ एच ऑफ एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, यही हमने प्रूफ करना था। यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स, जितनी भी एक्स की वैल्यूज होंगी उन सभी के लिए ये प्रूफ हो जाएगा। सो इसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हमने मल्टीप्लाइकेशन के लिए यही सेम रिजल्ट प्रूफ करना है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें है हमारे पास टू प्रूफ, दैट इज एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो फिर से हमें सेम काम करना है कि हमें यहां पर एक एलिमेंट एंटर करना है, क्योंकि एलिमेंट के साथ ही हम इस ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। हमने इसमें एक एलिमेंट एंटर किया एक्स। अभी तक ये पूरी चीज एक फंक्शन होती है, दिस इज द कंप्लीट वन फंक्शन। नाउ इस ऑपरेटर को हटाने के लिए ये एच अपने अंदर इस एक्स एलिमेंट को यूज करेगा, तो ये बन गया एफ डॉट जी और यहां पर बन गया हमारे पास एच एक्स। अब एच एक्स एज ए एलिमेंट एक बार एफ में जाएगा और एक बार जी में भी जाएगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग से यूज होगा एज ए एलिमेंट। तो पहले एफ में यूज हुआ एज ए एलिमेंट, डॉट मीन्स इन टू, और फिर जी में यूज हुआ एज ए एलिमेंट। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच एक्स डॉट जी ओ एच एक्स। तो ये हमें डेफिनेशन से पता चलता है और ये और यहां से आपका प्रूफ हो जाएगा आर एच एस के बराबर। तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आप इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द दैट इज आल्सो वेरी वेरी इजी, जो हमने कॉम्पोजिशन के पार्ट में रीड की थी प्रॉब्लम, दैट इज वेरी वेरी इजी थी। तो उसमें हमें दिया गया था कि इसका ए पार्ट करते हैं, इसका बी पार्ट हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू मोड फाइव एक्स माइनस टू। हमें सोल्व क्या करना है, जी ओ एफ एंड एफ ओ जी, जी ओ एफ सोल्व करना है हमें। तो जी ओ एफ सोल्व करते हैं, इसमें एक्स एंटर करते हैं एलिमेंट, सो दिस बिकम्स जी ओफ एफ एक्स। जी के अंदर एफ एक्स लगाएंगे।
अब जी क्या करता है, अगर उसके अंदर हम एक्स लगाते हैं तो वो एक्स को यहां पर प्लेस करता है, अगर मैं यहां पर जी के अंदर एफ लगाऊंगा तो यो वो यहां पर आ जाएगा 5f-2, तो वो क्या बन जाएगा, मोड 5fx-2। अब एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है मोड एक्स, वो हम यहां पर यूज कर लेंगे, तो ये बन गया 5 × mod x-2, सिंपल है। ऐसे ही सिमिलर हमें इसके ऑपोजिट सोल्व करना है एफ ओ जी। एफ ओ जी क्या बनेगा, एफ के अंदर हम जी ओफ एक्स को ऐड करेंगे, तो एफ के अंदर जी ओफ एक्स, एफ में जो भी एंटर करते हैं उसका मोड कर देता है, मतलब वो जी एक्स का भी मोड कर देगा। ये एफ है फंक्शन, इसको देखकर आपको यहां पर अप्लाई करना है, जो भी एफ होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर लिख देंगे। नाउ जी एक्स की वैल्यू हम इसके अंदर लगाएंगे, मोड के अंदर मोड एक्स माइनस टू, दो बार मोड उतारने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे मोड। सो काफी सिंपल चीज है, तो ऐसे आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं।